गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वास्तिक शिक्षण संकुल के इस ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का संस्कृत। पहला लेसन है वंदना। इसमें 4 श्लोक दिए गए हैं। पहला श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। ये पहला श्लोक माँ सरस्वती जी को समर्पित किया गया है, जो हमारी विद्या की देवी हैं, उनको ये श्लोक समर्पित किया गया है। तो इसका अर्थ मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, या देवी सर्वभूतेषु, यानी कि जो सभी में विद्या के रूप में निहित हैं, उन माँ देवी सरस्वती को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ठीक है, या देवी यानी हे देवी सर्वभूतेषु यानी सभी लोगों में, ठीक है, विद्या रूपेण यानी विद्या के रूप में आप संस्था मतलब निवास करती हैं। ठीक है, तो हे विद्या की देवी सरस्वती, जो आप सभी में विद्या के रूप में वास करती हैं, ऐसी देवी माँ सरस्वती को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ठीक है, अब देखिए दूसरा श्लोक है, पठामि संस्कृतम नित्यम वदामि संस्कृतम सदा ध्यायामि संस्कृतम समयम वंदे संस्कृत मातरम। ये श्लोक जो है हमारी मातृभाषा संस्कृत को समर्पित की गई है, जो हमारी देवनागरी भाषा है संस्कृत, उसके बारे में, उसके महत्व के बारे में बताया गया है। तो देखिए श्लोक में क्या लिखा है, पठामि संस्कृतम, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, नित्यम यानी सदैव, यानी मैं संस्कृत सदैव पढ़ता हूँ, वदामि संस्कृतम सदा, और सदैव, सदा मतलब सदैव हमेशा मैं संस्कृत बोलता हूँ, वदाम मतलब बोलता हूँ। ठीक है, ध्यायामि संस्कृतम, मैं संस्कृत का ध्यान करता हूँ। ठीक है, सम्यक वंदे संस्कृत मातरम, और ऐसी हमारी मातृभाषा संस्कृत को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है बच्चों, एक बार मैं फिर आपको ये बात श्लोक समझा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। पठामि संस्कृतम नित्यम वदामि संस्कृतम सदा, पठाम मने पढ़ना, संस्कृत लैंग्वेज भाषा है संस्कृत भाषा, नित्यम मतलब सदैव, वदामि मतलब बोलता हूँ, संस्कृत भाषा होती है सदा मतलब सदैव। कहते हैं कि मैं संस्कृत हमेशा पढ़ता हूँ, संस्कृत हमेशा बोलता हूँ, और संस्कृत का ध्यान करता हूँ। ध्यायामि संस्कृतम सम्यक्कम वंदे संस्कृत मातरम, और ऐसी हमारी मातृभाषा संस्कृत, जो देव भाषा है, ऐसी भाषा को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए आगे हम तीसरा श्लोक देखेंगे, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपर ज्योतिर नमस्तुते। जब हम पूजा पाठ करने बैठते हैं तो हम किसको साक्षी मानते हैं, हम किसको साक्षी मान के कहते हैं कि हमारी ये पुण्य कर्म है या पाप कर्म है, किसको मानते हैं, दीपक को, दीपक की जो लौ जलती है ना, उसको हम साक्षी रूप मान के उनकी वंदना करके उनको हम कहते हैं कि आप हमारे पाप और पुण्य कर्मों के साक्षी हैं। ठीक है, तो जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं, यानी प्रज्वलित मतलब जलाना, तो दीप जब हम जलाते हैं तो उसके पहले ये मंत्र बोलते हैं। मंत्र क्या है, शुभम करोतु कल्याणम, यानी शुभम मतलब शुभ, करोतु मतलब करने वाला, और कल्याण मतलब कल्याण। ठीक है, तो शुभम करोतु कल्याणम यानी कल्याण करने वाला, शुभ करने वाला। ठीक है, आरोग्यम धन संपदम, आरोग्य देने वाला और धन संपदा देने वाला, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते,
और जो शत्रुओं की बुद्धि होती है उसका विनाश करने वाले, मतलब अगर शत्रु हमारे लिए कुछ बुरा सोचते हैं तो उनकी बुद्धि का विनाश करती हैं और वे हमारे लिए अच्छी सोच रखते हैं। ठीक है, दीप ज्योति नमस्ते, ऐसे दीपक के ज्योति को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है बच्चों, फिर मैं एक बार आपको ये रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखिए, मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, एक एक वर्ड आपको समझ में आ जाएगा। शुभम करोतु कल्याणम, यानी शुभम शुभ करने वाला, ठीक है, कल्याण करने वाला, ठीक है। आरोग्यम धन संपदा, आरोग्य देने वाला, धन संपदा देने वाला। शत्रु बुद्धि विनाशाय, शत्रुओं की बुद्धि का विनाश करने वाला। दीप ज्योतिर नमस्तुते, ऐसे दीपक के ज्योति को मैं नमस्कार करता हूँ। अब आइए देखते हैं श्लोक नंबर 4। मुकम् करोतु वाचालम् पंगु लंघ्यते गिरियम्, यत कृपा तहम वंदे परमानंद माधवम्। कवि कहते हैं यहाँ पे किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, भगवान की महिमा की वर्णन की गई है। भगवान की जब कृपा हो जाती है तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है, तो यहाँ पे भगवान की कृपा के बारे में, उनकी महिमा के बारे में वर्णन किया गया है। देखिए, मुकम मतलब होता है जो बोल ना पाए, यानी गूंगा। मुकम मतलब गूंगा। करोति वाचालम, वाचालम यानी बोलना, बहस करना। ठीक है, तो मुकम करोति वाचालम यानी जो गूंगा व्यक्ति है वो बोलने लगता है। पंगु लंघते गिरियम, और जो लंगड़ा है, पंगु मतलब लंगड़ा और लंघते माने पार करना, गिरियम मतलब पहाड़। लंगड़ा क्या है, पहाड़ को पार कर लेता है यानी लांग जाता है। यत कृपा तहम वंदे परमानंद माधवम, और यदि परमानंद माधव विष्णु भगवान की कृपा हो जाए तो ये सब कुछ संभव है। क्या क्या संभव है कि गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी पहाड़ पे चढ़ जाता है, अंधे को दिखाई देने लगता है, यदि उनकी कृपा हो जाए तो आप लोगों को ये श्लोक समझ में आ गया होगा। मैंने अच्छे से एक एक वर्ड का अर्थ बताया, और आप लोग इसको वीडियो को देखेंगे, अपनी नोटबुक में इसका अर्थ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तब तक के लिए जय गायत्री।